खरगोन प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव रोचक हो गया है। यहाँ प्रतिद्वंदी दल माने जाने वाले भाजपा कांग्रेस के साथ पिछले कुछ सालों से आदिवासियों के बीच मजबूत हुए जेएस ने भी ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। हालांकि चुनाव में जेएस कांग्रेस को समर्थन दे रहा है, जिससे आरक्षित सीटों और बीजेपी के लिए चुनौती साबित हो सकता है। जेएस के चुनाव समिति संचालक राजेंद्र पवार ने बताया कि कांग्रेस ने प्रदेश में जेएस के 4 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। हालांकि हमारी मांग अधिक थी, लेकिन आदिवासी दलित गरीब मजदूर विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जेएस कांग्रेस के साथ ही है। जेएस के 4 प्रत्याशियों के अलावा अन्य सीटों पर जेएस कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन करेगा। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। शक्ति संगठन 2013 से काम कर रहा है, जो आदिवासी समाज के लिए जल जंगल जमीन और आदिवासी समाज के युवाओं में आर्थिक सामाजिक राजनीतिक और शैक्षणिक जागरूकता का आंदोलन चला रहा है। मध्य प्रदेश की विधानसभा 2023 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमारे राष्ट्रीय जेएस संरक्षक आदरणीय हीरालाल अलावा जी के साथ और उनके 3 साथियों को कुल मिलाकर 4 सीटों पर हमारे साथियों को उम्मीदवार घोषित किया गया है। और क्या उम्मीद लगती है? हमें उम्मीद थी कि हमको और ज़्यादा सीटें मिलती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 18 साल के आदिवासी विरोधी शासन, जिसमें नीमच में हमारे एक आदिवासी भाई को पिकअप से बांधकर मार दिया गया, नेमावर में आदिवासी कन्याओं को 4-4 फीट गड्ढे में गाड़ दिया, खरगोन के खेरकुंडी में पुलिस अभिरक्षा में हमारे आदिवासी भाई को मार दिया, सीधी में एक आदिवासी युवा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के विधायक के प्रतिनिधि के द्वारा पेशाब किया, इन सब घटनाओं से हम आक्रोशित हैं और हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं टिकट मिले, फिर भी हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमारे जिन 4 साथियों को उम्मीदवार बनाए हैं, उसके लिए मैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय केदार दिग्विजय सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे संगठन को महत्व दिया। खरगोन जिले में भी जीएसटी मांग चल रही है, क्या ला सकते हैं यहाँ से? हमने खरगोन जिले में, जिले सहित मध्य प्रदेश के 16 विधानसभा सीटों पर दावेदारी प्रस्तुत की थी। हमारी चर्चाएं कमलनाथ जी से भी हुई, दिग्विजय सिंह से भी हुई और उन्होंने हमें 4 स्थान दिए मांगने के लिए, सारा जहां है, लेकिन राष्ट्रीय लेवल की पार्टी ने जेएस का महत्व समझा और हमको टिकट दिए। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और कांग्रेस के जहां जहां उम्मीदवार हैं मध्य प्रदेश में, जेएस के युवाओं से हम अपील करेंगे कि वो उनका सहयोग करें और कांग्रेस की सरकार बनाने में हम मदद करें। राजेंद्र सिंह पवार, जेएस प्रदेश कोषाध्यक्ष एवं चुनाव संचालन समिति संयोजक मध्य प्रदेश। Subscribe now to most exciting channel ever.